पर कच्ची बस्ती के लोग आज भी आधारभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। वहीं पर जनटीवी के संवाददाता पहुंचे, जहां उन्होंने कच्ची बस्ती के लोगों से बात की और वहां पर उनकी जो भी समस्या है उनको जाना। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में क्या कुछ चुनावी मुद्दे रहेंगे और जनता क्या चाहती है कि क्या उनकी समस्याएं हैं और क्या उनके सुझाव हैं और क्या उनकी आपत्तियां हैं। फिलहाल मैं जयपुर की एक कच्ची बस्ती क्षेत्र में हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा यहां पर किसी प्रकार की कोई सड़क नहीं है। आपको हल्की सी सड़क जरूर दिख रही होगी, लेकिन यहां पर जो पानी के निकास के लिए नालियां होती है वो पूरी तरह बर्बाद है। यानी एक तरफ यहाँ पर पानी पीने की जो लाइनें हैं वो है, पास ही उधर से ही गंदगी का जो कचरा है और जो मलबा है वो पड़ा हुआ है। लोग यहाँ पर किस तरह से जीवन बसर कर रहे हैं इनके लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती से कम नहीं है। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है। जब हम हमारी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे तो ये लोग अपनी समस्या बताने के लिए हमारे पास आ चुके हैं। फिलहाल यहाँ की स्थिति देखकर आपको ये लगता है कि पता नहीं कितने मुद्दे होंगे और कितने सालों से ये मुद्दे हर बार बनते नजर आ रहे हैं। आप क्या मानते हैं, चुनाव होने हैं प्रदेश में, अगले महीने चुनाव होंगे, क्या कुछ समस्या है आपके क्षेत्र की? सर हमेशा ही हर साल आते हैं, विश्वास देके चले जाते हैं, रोड बना देंगे, पानी भी दे देंगे, हर चीज सुविधा के लिए बोलते, पर कुछ नहीं। आप देखो, आप ये देखो, पानी बिखरा पड़ा है, डेंगू लग रहा है, अभी जीके वायरस चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए, कौन सी सरकार के पास जाए? आप क्या मानते हो, यहाँ की क्या समस्या है आपकी, क्या कोई व्यक्ति आता है? आप मानते हैं कि आपकी कौन सी समस्या है, जिनका निस्तारण होगा वो समस्याएं सही हो जाएगी, उसके बाद ही आप वोट देंगे, क्या मानते हैं आप? सही समस्या सही हो जाएगी तभी वोट देंगे, नहीं वोट देंगे, समझिए। बिल्कुल गंदगी जाती है यहाँ पे, कोई आता नहीं है, ना झाड़ने वाला, ना कचरे उठाने वाला, कोई नहीं आता सर, बिल्कुल वहां से यहाँ पे पूरी कचरा गंदगी सब कुछ वेटिंग वेटिंग सब फैली हो जाती है, गंदगी का आलम है। आप क्या कहेंगे, आप भी इस कॉलोनी में रह रहे हैं? इस कॉलोनी में हम काफी टाइम से रह रहे हैं सर। यहाँ पे देखिए आप, ना तो गंदगी साफ होती है, कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, पानी के पाइप आ रहे हैं लीक हो जाते हैं, यहाँ से गंदगी आती है, उसमें थोड़ा पानी सही आता है, एक टाइम पानी आता है वैसे तो 15-20 मिनट के लिए, पहले गंदा आएगा अब उसके बाद में साफ पानी आता है, तो कुछ लोग भर लेते हैं। क्या होना चाहिए समस्या है? समस्या हमारे को जैसे लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, इसलिए ये हमारी समस्या सोल्व क्यों नहीं करते, ये हर बार वोट लेने के लिए आ जाते हैं। जैसे हमारे को पानी दो टाइम नहीं मिलता, नालियां साफ नहीं होती सर, ये देखो चारों तरफ पानी है, फैलाओ, इधर गटर बनवाई है इन लोगों ने। देखिए, इन लोगों की समस्याएं हैं, कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आपको दृश्य आप देख सकते हैं, आवारा पशुओं के साथ ही यहाँ पर जो मच्छर और गंदगी का इतना जबरदस्त आलम है कि लोग अक्सर परेशान रहते हैं। लोगों की कई शिकायतें भी यहाँ पर है कि चुनाव में हो सकता है उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाए, लेकिन लोगों का मानना तो ये है कि यहाँ पर हर साल ये समस्या रहती है, जब भी चुनाव होते हैं समस्या सामने आती है लेकिन उनका निस्तारण नहीं हो पाता। यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला भी कई सालों से यहाँ रह रही है, उनसे जानते हैं। आप क्या मानते हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी? क्या बहुत समस्या है हमारे यहाँ, देखो गंदगी जगह नारिन में कट्टी पड़ी है, है? गंदगी जगह वहां से यहाँ तक देखो, सारे कचरे को उसमें डालते हैं, कोई सफाई करने वाला ही नहीं, इतना इतनी सफाई करने के लिए भेज दिए, भूजल लग गए, मीना लग गए, सब जात लगी, पर यहाँ सफाई करने को नहीं आता, सफाई नहीं हो पाती है। आप क्या समस्या मानती है यहाँ की, जो क्योंकि आप भी यहाँ रह रहे हो? समस्या वही है जो ये बोल रहे हैं हमसे, ना सफाई होती है ना नालियों में, मतलब बारिश आती है तो इतना पानी भर जाता है बहुत ज्यादा, ये चला भी नहीं जाता, ना साधन चलते हैं, ना हम लोग चल पाते, हमारे बच्चे तक गिरते पड़ते इसमें, मतलब बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत ज्यादा परेशान है हम इससे। चुनाव में लोग ये कहते हैं कि नेता आने वाले हैं, नेता क्या आश्वासन देते हैं, क्या वो जो अपनी वो आश्वासन देते हैं वो उस पर खरा उतर पाते हैं? नहीं, वो कहते हैं लेकिन करते नहीं है, कह के चले जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे लेकिन करते नहीं वो काम, मतलब वो अधूरा, मतलब पूरा भी नहीं करते, अधूरा छोड़ो पूरा भी नहीं करते उसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम समस्या जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे तो कितनी तादाद में लोग अपनी समस्या बताने के लिए जन टीवी के पास पहुंचे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं, लेकिन जनता यही कहती है कि चुनाव में जो इन कच्ची बस्तियों की समस्याएं हैं वो दूर होनी चाहिए, क्योंकि नियम भी बने हुए हैं कि कच्ची बस्तियों के जो लोग हैं उन्हें भी इज्जत के साथ साफ सुथरी जिंदगी जीने का हक है। तो अब देखना यह है कि चुनाव में क्या कुछ माहौल बनता है और ये जो लोग हैं कच्ची बस्ती के लोग हैं उनकी समस्याओं का कितना निस्तारण हो पाता है। सहयोगी मनोज हरित के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी, जयपुर।